कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर जीवनदायिनी साबित हो रहा है। एक तरफ जहां सूबे बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं जमुई जिला प्रशासन के द्वारा गिद्धौर प्रखंड के महुईली स्थित पारा मेडिकल स्कूल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भेजे गए ऑक्सीजन के 80% सिलेंडर लीकेज हैं। कोविड केयर सेंटर में भेजे गए जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सकती है, कुव्यवस्था के कारण वो सिलेंडर बिना इस्तेमाल किए ही खुद ब खुद लीकेज के कारण सिलेंडर से ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले कोविड केयर सेंटर में खुद जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह एवं SDPO प्रतिभा रानी ने व्यवस्था से संबंधित निरीक्षण भी किए थे। बावजूद इसके कोविड केयर सेंटर में लापरवाही और कुव्यवस्था का आलम बना हुआ है। जमुई जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों में लगातार वृद्धि हो रही है। 45,100 से ऊपर जमुई जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पार हो गया है। साथ ही 1,000 से ऊपर अभी भी एक्टिव केस चल रहे हैं। और तो और 18 व्यक्ति की मौत कोरोना से हो चुकी है। बिहार में एक तरफ जहां ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हाई तौबा मची हुई है, तो वहीं जमुई जिला में प्रशासन कोविड केयर सेंटर में लीकेज ऑक्सीजन के सिलेंडर को भेजकर सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। कोविड केयर में ऑक्सीजन सिलेंडर से इमरजेंसी ड्रग्स और इक्विलाइजर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन ऐसा है कि मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे हैं, जो जम्मू जेल तो अच्छे हैं, लेकिन जो छोटे सिलेंडर्स हैं जो हर बेड पे लगाए गए हैं उसमें से 80% की हालत ख़राब है और जो पानी लीक है वो अगर इमरजेंसी में मर जाता है तो रिप्लेस करते करते बहुत दिक्कत होती है। सिलेंडर का लीकेज है क्या? लीकेज है। और क्या क्या सुविधा उन लोगों को मिल रहा है, इलाज में क्या क्या मिल रहा है? खाने पीने की व्यवस्था संतोषजनक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काढ़ा है, दूध है, मेनू के हिसाब से जो खाना चाहिए मरीज को वो सब मिल रहा है। लेकिन इमरजेंसी के लिए जब किसी मरीज का SpO2 कम होता है तो हम लोग ऑब्वियस है कि इस कोरोना में मेन रोल है SpO2 का, तो अगर ऑक्सीजन लेवल किसी का कम हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑक्सीजन के अलावा। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स हर बेड पे हैं पर उसमें से 80% सिलेंडर्स काम ही नहीं कर रहे हैं, लीकेज है, तो आने वाले मरीज को बहुत कठिनाई हो रही है कि उसको दूसरी जगह से रिप्लेस करते करते तो तब तक दिक्कत हो रही है। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।